सिर को टटोलते हैं, बुराइयों को छोड़ते हैं, अच्छाइयों से नाता जोड़ते हैं। आओ आज सत्यता से खुद को टटोलते हैं। आदरणीय निर्णायक मंडल नमस्कार, आज मैं कोड 357 आत्मनिरीक्षण के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपने भावों, गलतियों, त्रुटियों, वृत्तियों व अपने गुण दोषों को समझने का सही सही प्रयत्न करना ही आत्मनिरीक्षण है। हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं, उन समस्त आवेशों व प्रतिक्रियाओं के हेतु स्पष्टदर्शी बनने का तरीका है आत्मनिरीक्षण। आखिर आत्मनिरीक्षण इतना अनिवार्य क्यों है? जो लोग अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करते वे फिर कभी नहीं बदलते, वे ना ही बढ़ते हैं और ना ही घटते हैं, वे जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं और जीवन हार जाते हैं। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसीलिए अपने चारित्रिक रूपांतरण हेतु आत्मनिरीक्षण अनिवार्य है। जब बुरे भाव सतह पर आ जाते हैं तब आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हमारे मार्ग से भटकने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके लिए हमें अपने मन पर, इंद्रियों पर, संकल्प पर पूरी तरह सचेतन नियंत्रण करना होगा, ताकि हम बुरे भाव व उनके दुष्प्रभावों से बचे रहें, आत्म उद्धार की क्रिया में सफल हो सके। तभी तो कहा भी गया है, पकड़ो सजनो आपनु, खालस सोना हो जाओ। पकड़ो सजनो आपनु, खालस सोना हो जाओ, अपने प्रकाश लुपाओ, अपने प्रकाश लुपाओ। आत्म विकास की क्रिया के लिए हमें अपनी बुराइयों को त्यागना होगा। बुराइयों को त्यागने के लिए पहले बुराइयों को पहचानना होगा और बुराइयों को पहचानने के लिए आत्मनिरीक्षण करना होगा। आप मानेंगे, हाँ, आप मानेंगे, अपने दोष किसी को सहज ही नहीं दिखाई देते, परंतु खुद में सुधार लाने की प्रबल इच्छा द्वारा किया गया आत्मनिरीक्षण हमारी इस कठिनाई को भी दूर कर देता है। जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी कहा है कि खुद को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और यही तो आत्मनिरीक्षण है। अतः आओ मनहर दर्पण में झांक कर खुद को खुद ही परखते हैं। आओ मनहर दर्पण में झांक कर खुद को खुद ही परखते हैं, जीवन की सच्चाई को समझ सदाचार के मार्ग चलते हैं, जीवन की सच्चाई को समझ सदाचार के मार्ग चलते हैं। इसके लिए हमें प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करने की आदत बनानी होगी। इस हेतु हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने मन पर केंद्रित करना होगा। अब ऐसा करने पर हमें अपना ही कमियों भरा स्वरूप नजर आएगा और लगेगा कि हमारे अंदर बिगड़ाव उत्पन्न हो गया है, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जहर घुल गया है और हम इस विष का सेवन कर बुराई की राह पर अग्रसर हो चुके हैं। परंतु अपनी ये हालत को देखकर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि संसार के सभी पदार्थ गुण दोषमय होते हैं। निर्विकारिता से जीवन जीने हेतु हमें अपने अच्छे बुरे, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पहलुओं का निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करना होगा। अब ऐसा करने से क्या होगा? हमारे अंदर स्वाभाविक सुंदरता आएगी, आकर्षणों की ओर जाने से मन सहज ही थम जाएगा, और तो और हम अपने मन व इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले एक आत्म विजयी इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद जी।